विकासखंड मोरी के राजकीय इंटर कॉलेज सांकरी में भवन की स्थिति जर्जर हालात में है। यहाँ पर अध्ययनरत 16 गांव के 404 बच्चे खून को जमाने वाली कड़ाके की ठंड में बाहर खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल आना और रोजाना पढ़ाई करना एक महज खाना पूर्ति है। हम सब खुले आसमान के नीचे बैठते हैं तो बारिश के मौसम या तेज हवाएं चलने पर पढ़ाई से ध्यान हटकर अपने आप को ठंड से बचाने में लग जाता है। मोरी से हरीश चौहान की रिपोर्ट। उसमें भी हमारे लिखा तो उसमें भी आया तो है कि टीम गठित कर दी गई है कि सीमांकन हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर आपका सीमांकन हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा 2 महीने पहले आदेश हो गया था और अभी तक कोई भी टीम यहाँ पे पटवारी 3 पटवारी किए गए थे, एक नायब तहसीलदार थे और 5वां मैं उसमें जो है सदस्य के रूप में था, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। तो विद्यालय की बहुत ही दुर्दशा है और आप लोग इससे पहले, आप सभी लोग पहले भी यहाँ पे आए थे, पहले भी आपका आप लोगों ने न्यूज़ लगाई थी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कंडीशनें हैं, जब यहाँ बारिश होती है तो बैठने की बहुत कंडीशन है और व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है और कितने परेशानी होती है, बहुत कोई बोल पाए, बहुत परेशानियां होती है क्योंकि जो पानी टपकता है। मैं क्लास 11 में पढ़ती हूं। अच्छा, बिल्डिंग नहीं है, कैसे पर होता है फिर? हमारे स्कूल में पानी भी नहीं आता और बैठने के लिए हमारे बहुत दिक्कत होती है और जब बारिश होती तो स्कूल में अगर हम क्लास में बैठते तो पानी भी टपकता है। बिल्डिंग नहीं है आपके यहाँ? नहीं, बैठने के लिए बहुत दिक्कत होती है और टाइट भी होता क्लास में। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मतलब हमारे यहाँ पर जब बारिश होती है तो इधर 6th-7th में बहुत परेशानी होती है, ऊपर से मतलब वो पानी आता है और जो मिट्टी है वो बह के नीचे आती है और हम 9th वाले ना सीनियर क्लास है, फिर भी हमें नीचे बैठना पड़ता है, फर्नीचर नहीं है और इधर से भी बह रखा है उधर से, मतलब बारिश में कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इधर खतरा भी है यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छा बने, अच्छी बिल्डिंग बने, बढ़िया भवन बने इधर, ताकि 10th का सेंटर 12th का सेंटर इधर आए, हमें परेशानी ना हो नेटवर्क जाने की, हमें अच्छे से पढ़ाई भी ठीक। थैंक यू।